मंदिर में वसीम भाई के घर के पीछे पागल नहीं लगा ना पानी मार मार के चीजें खरीद रहे हाँ भाई हाँ मालूम है भाई सब जने वही गए हम नहीं गए हम आने से क्या कल प्रॉब्लम हो भाई चलो रख पाँच मिनट के बाद आप मालूम है बोले तो पूरे देखो पीछे देखो रिपोर्टर और रिपोर्टर होंगे आप पीछे देखो आप वहाँ पे तो लोगों को बोल सकते आप नहीं रिपोर्टर भी नहीं तो आप फीस लो आप चले अंदर अंदर है एक और यहाँ यहाँ रूम में पूछो तुम रूम में और ये तो इन लोग बोलना ना बाबा तुम लोग बोलना अरे आग तो यहाँ लगी है ना तो अंदर देखेंगे खोल के वो बोल रहा हूँ ये दीवार भी लग कोई वो आग लगने की वजह से हो रही है इससे नौ भी औकत हो गई एक दो औकत नहीं हुई सर हम लोग चार औकत कंप्लेंट करे हुए हैं चार औकत कोई सुनने वाले नहीं है सुनिए आप बस है ना बिल्कुल ले रहे देता हूँ तो उदेदार भी है ना यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए अच्छा इनको आपसे हमारे कोई शिकायत है साहब नहीं बिल्कुल नहीं है हाँ हमारे बस्ती वाले से कोई शिकायत है आपको बोल सकते हैं आप बिल्कुल नहीं है क्यों वो तो हम आपको हमारे भाई समझते हैं हमारे को बड़े हैं समझते हैं हम लोग आप लोगों से हम लोग जुड़े हैं मंदिर के प्लेस में कचरा जमाने क्यों दे रहे हैं आप लोग वो पागल बना रहे हैं जो बेच के हाँ अच्छा तो आप लोगों को हटाना नहीं यहाँ से बहुत बड़ा हटा है बहुत बड़ा हटा है बलजारों को लेके लारी उरी लगा के भी पुलिस वालों को बोल के हटाने लगा आप कंप्लेंट देके हटाने लगाइए पुलिस में कंप्लेंट देके हटाने लगी है चार बार दी हाँ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ कोई एक्शन नहीं हो रहा सर आप कंप्लेंट रद्द कर दो जरा आप क्या चाह रहे हैं तेलंगाना हुकूमत से भाई आप केसीआर साहब से यही बोलना चाह रहे हैं ये मंदिर की जो है ना हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है ये आदमियों से तकलीफ है जो तीन पागल है वो तीनों को हटा दीजिए यहाँ से मेंटल हॉस्पिटल भिजा दीजिए कहीं भी भिजा दीजिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन यहाँ से ये लोग हट गए तो हमारा भाईचारा बाकी रहता हमारे को जो है ना इनसे कोई दुश्मनी नहीं है ना कोई मोहब्बत है लेकिन लोग हम पूरे मिलकर रहने मोहम्मद सलीम बगरा गांधी स्टैचू के सामने ये बालाजी मंदिर है इसके अंदर तीन मेंटल आदमी रहते हैं एक औरत है उसके अंदर दो आदमी है ये लोग जो है ना हर महीने में या दो महीने में एक बार पूरा कचरा जमा करके उसको आग लगा लेते वो सेका लेते क्या करते पता नहीं इसकी वजह से जो है ना घरों को जो है ना तीन घर है जो पूरे को डैमेज हो रहा है इससे पहले भी हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करें एक्शन नहीं ले रहे इसका कोई एक्शन नहीं ले रहे और मंदिर वाले भी एक्शन नहीं ले रहे सुने आप आज एक काका इधर काका एक इन्हों भी एक साहब है यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं इन्हों भी बुजुर्ग आदमी है इन्होंने मंदिर बस्ती के पुराने हैं सुने आप इनको भी इल्म है ये क्यों तो इन्हों हिंदू है हम लोग मुस्लिम है हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं इस वक्त हमारे को जो डैमेज हो रहा वो तीन पागलों की वजह से हो रहा इसके लिए कुछ एक्शन करिए साहब आप लोग बराए मेहरबानी होती है आप लोग तो आप लोग हाँ कंप्लेंट करें जाके पीएस में कंप्लेंट करने जा रहे हैं साहब चार बार कंप्लेंट दिया चार वक्त दिए साहब इससे पहले आप बोलो काका कुछ बोलना है चार बार कंप्लेंट दिए बोलिए आप तो कंप्लेंट दिए के बाद में भी कुछ भी ना हुआ पुलिस वाले आए तो भी पुलिस वाले के ऊपर चल रहा उल्ला बोले पागल आया क्या लेके ले आएंगे उन लोगों को बोल के छोड़ देकर चले जाते तो उल्ला भी करने का कोशिश तो कर रहे पुलिस वाले पति ये तीन जनों के नाम क्या अंकल नाम ठीक है ना वो वेंकटेश यादव है वेणु यादव है और बुजी बच्ची का नाम क्या है हाँ बुजी बुजी बोले तो क्या ठीक है साहब एक डैमेज जो हो रहा है साहब इसकी भरपाई कौन करेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा साहब क्यों तो इतना जो डैमेज हुआ है सुने आप
सबसे ज्यादा घर जो है ना दीवारा पूरे डैमेज हो गए कुछ भी नुकसान जानी नुकसान हमारे दीवारों का नुकसान हुआ लगा फसल है कचरा जमा होने से आप क्या मच्छरों की वजह से आप कुछ तबियत खराब हो रही दुनिया की बीमारी शरीर सुने आप बहुत तकलीफ हो रहे हैं आप कचरे के बारे में खासकर कचरा जो जमा करके जो जला ये कचरा पूरा कहाँ से लाके जमा कर रहे हो हर एक जगह से लाते हैं चौबरे के लाते हैं ये बल्दिया प्लेस है क्या भाई बल्दिया प्लेस है मंदिर की प्लेस है मंदिर की जो है ना बेरुमती कर रहे हैं लोग हिंदू आए थे लोग तीनों भी सुने आप तो मंदिर में कचरा लाके जमा कर रहे हो लोग पूरे मंदिर के हिस्से में पूरे अंदर उसके हाथे में मंदिर के हाथे में पूरा जमा के कचरा जो है जलाते रहते लोग अब ये जो आग लगी कितनी बड़ी आग लगी है कितने फीट तक ऊपर गई तकरीबन 17-18 फीट गई 17 से 18 फीट तो ये पहले कौन देखे कौन कंप्लेन पहले देखे कौन फोन करे पब्लिक देख के बोली साहब सुने आप हम भी कुछ पार्टी में थे बच्चे हमारी फोन करे फौरन भाग के आए आके जो सुना फायर स्टेशन में पहला फोन करा हूँ सुने फायर स्टेशन वाले भी पौन घंटे के बाद आए फिर भी आग बुझा दी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग ये पूरे मोहल्ले के आजू बाजू वाले लोग पूरे यही मोहल्ले के हम लोग पूरे 3 घर वाले खासकर मंदिर के ना जो है ना कुछ एक अहदेदार भी है।